आप देख रहे हैं वार्ता 24। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में घोषणा की है कि वो सितंबर 2023 तक अपने सारे केमिकल हथियारों को नष्ट कर देंगे। हालांकि इससे पहले पिछले महीने ही रूस और चीन ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर अमेरिका पर केमिकल हथियारों को नष्ट करने का दबाव बनाया था। बयान में कहा गया था कि अमेरिका अकेला केमिकल वेपन कन्वेंशन का सदस्य है जिसने अपने रासायनिक हथियारों को खत्म नहीं किया है। बता दें, केमिकल वेपन का मतलब टॉक्सिक केमिकल और जहर का इस्तेमाल करना होता है। इसका इस्तेमाल जानबूझकर मौत या जहरीले गुणों के जरिए लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस अटैक में रासायनिक क्रिया के जरिए मृत्यु, अस्थायी अक्षमता या फिर मानव या जानवरों को स्थायी तौर पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस से आगे कहा कि अगले हफ्ते अमेरिका और CWC के सदस्य एक कॉन्फ्रेंस के जरिए इकट्ठा होंगे जिसमें दुनिया को केमिकल हथियारों से मुक्ति दिलाने पर चर्चा की जाएगी। अब दुनिया को इस मिसाल के जरिए लीड कर रही है। अमेरिका हमेशा इस तरह के खतरनाक हथियारों को इकट्ठा करने का विरोध करता रहेगा। हमें दूसरे देशों को भी CWC के साथ काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वहीं रूस का कहना है कि उसने साल 2017 में ही अपने सारे केमिकल हथियार नष्ट कर दिए थे। हालांकि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने आशंका जताई थी कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन में केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बनाने का आरोप लगाया था। केमिकल हथियारों पर चीन का कहना है कि उसने कभी भी केमिकल हथियार नहीं बनाए। हालांकि उसके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने चीन में केमिकल हथियारों का बड़ा जखीरा छोड़ा था जिन्हें अब नष्ट करने की बात कही जा रही है। जाहिर सी बात है, केमिकल हथियार पल भर में हजारों लोगों की जान ले सकते हैं और अलग अलग बीमारियों से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। केमिकल हथियार बायोलॉजिकल हथियार से अलग होते हैं। बायोलॉजिकल हथियार में बैक्टीरिया और वायरस के जरिए लोगों को मारा या बीमार किया जाता है। वहीं केमिकल हथियार ग्रुप डिस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह की खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए वार्ता 24 और सब्सक्राइब कीजिए।